नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड रिपन की। रिपन, इनका टेन्योर था साल 1880 से 1884 तक, और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट्स कुछ ये रहे। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट दैट वॉज पास इन द ईयर 1881। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, जैसे वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना, सेफ्टी मेजर्स का कुछ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। अब ये फैक्ट्री एक्ट भी क्यों पास हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ ये कि 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे था, तो इसी दौरान बहुत से वर्कर्स मूवमेंट होने लगे थे। उस वजह से 1840s में इंग्लैंड में फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था, जहां पे वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया। अब बहुत से लोग इंग्लैंड से निकल के भारत में फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिए थे और यहाँ पे 15-15 घंटे काम कराने लगे वर्कर्स से, जिस पे फिर इंग्लैंड के बहुत से फैक्ट्री ओनर्स का कहना यह था कि अगर इंग्लैंड में वर्कर्स कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो वही चीज़ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके बाद फिर ये फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, जहाँ वर्किंग कंडीशंस कुछ इंप्रूव की गई। रेंडिशन ऑफ मैसूर, रिपन ने मैसूर वाडियार डायनेस्टी को वापस कर दिया था, जो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में रखा था आफ्टर एंग्लो मैसूर वॉर। रिपन ने एक और बहुत हिस्टोरिक काम किया था, इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव कर दिया था इन द ईयर 1882। आपको कमेंट में बताना होगा कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किस वॉइस रॉय के द्वारा लागू किया गया था। फिर 1882 में रिपन ने हंटर कमीशन को सेटअप किया फॉर द इंडियन एजुकेशन, जिसमें इस कमीशन ने रिकमेंड किया फॉर मास एजुकेशन, और साथ ही में दो चैनल सेटअप कर दिए इन सेकेंडरी एजुकेशन। पहला लिटरली एजुकेशन, मतलब कि जिनको एकेडमिक्स में ही रहना है, और दूसरा वोकेशनल करियर। कमीशन ने फिर वुमेन एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट को भी रिकमेंड किया, और साथ ही में लोकल बॉडीज को इनकरेज किया कि वो गाँव में, टाउन्स में एलिमेंट्री एजुकेशन को मैनेज करें। 1882 रिपन्स रेजोल्यूशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, पर लोकल गवर्नमेंट पे तो लॉर्ड मेयो, लिटन, इन्होंने भी काम किया था, फिर रिपन को ही एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहा गया? देखो, इनसे पहले लोकल बॉडीज ज्यादातर बड़े शहरों में थी। रिपन ने लोकल बॉडी कमिटीज बनाई फॉर विलेजेस एंड तालुक्स, म्यूनसिपैलिटीज को पावर को और बढ़ाया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया इन दी लोकल गवर्नमेंट। हालांकि ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा अथॉरिटी थी, पर एटलीस्ट रिपन ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए। फिर रिपन ने इलेक्शंस का प्रोविजन भी ऐड कराया फॉर लोकल गवर्नमेंट, हालांकि ये इलेक्शंस बहुत लिमिटेड स्केल पे थे, बट हाँ, पहले से चीजें बेटर हुई। फिर रिपन ने डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक बोर्ड्स को भी क्रिएट किया। तो इन सब रिफॉर्म्स की वजह से रिपन को एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, देखो रिपन से पहले कानून ये था कि यूरोपियंस अगर कोई भी क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उनको इंडियन जजेस के द्वारा सजा नहीं मिलेगी, यानी कि यूरोपियंस को सिर्फ यूरोपियन जजेस ही सजा सुनाएंगे। अब जब ये देखा रिपन ने, तो उनको लगा कि यार ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, और लॉ तो भैया सबके लिए बराबर होता है। तो इस वजह से इनके टेन्योर में इल्बर्ट बिल पास हुआ, जहाँ पे सबको इक्वल रखा गया, यानी कि यूरोपियंस को इंडियन जजेस भी सजा सुना सकते हैं। अब ये बिल जैसे ही पास हुआ, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ अंग्रेजों के द्वारा इंडिया और इंग्लैंड दोनों में। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि रिपन जो है वो पागल हो गए हैं, वो कैसे यूरोपियंस और इंडियंस को इक्वल कर सकते हैं, ये वो, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जहां पे रिपन को एट लास्ट ये बिल वापस करना पड़ा। और इसके बाद ही रिपन बहुत ज्यादा हताश भी हो गए, उनका मानना था कि यार ये वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, पर इतना ज्यादा अपोजिशन उनको मिला। दैट्स वाई इल्बर्ट बिल के बाद वो वापस इंग्लैंड चले गए। अब इस इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी ने हेल्प कर दिया इंडियन नेशनलिज्म के राइस में। इट इज़ कंसिडर्ड एज हाई वाटर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि फिर बहुत से लोगों को ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं कभी भी भारत के लिए अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियंस को इक्वल ही नहीं मानते। तो इन सब लिबरल पॉलिसीज के कारण ही रिपन को गुड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी बोला गया। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड रिपन की। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोज हेल्पफुल लग रहे होंगे, इनको अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।